कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आते रहते हैं आपके लिए बहुत सारे लेक्चर, क्लासेस, वीडियोज, अपडेट्स। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी देर अभी सब्सक्राइब करो, मेरे नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि हर अपडेट से वाकिफ हो सको। बहुत रिक्वेस्ट के बाद योगा असिस्टेंस का है ना, हमने आज इसका सोचा कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सूरज सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम पढ़ेंगे योगा असिस्टेंट्स, जिसमें इसका जो कोड है 667 है। एक स्टूडेंट की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर इसका किया, और भी स्टूडेंट्स का था, ऐसा नहीं उनका था, बट मेरे पास कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं था। मैं बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं। हमने कहा ठीक है आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपका इस पर काम कर दूंगा। भाई मुझे तो हेल्प करनी है आपकी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लाइव बैच में हैं नहीं हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बट मुझे ये है कि भाई आप विद्यार्थी हैं, मेरे जरिए आप तक कोई लाभ पहुंच रहा है तो आप लीजिए, मैं दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक गाइड की ज़रूरत होती है, गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। आइए इसको हम लोग बात करते हैं इसका। तो ये जो सबसे पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा, जो आपका सबसे पहले चैप्टर 1 यहाँ पर है, प्रिंसिपल ऑफ योगा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कहता है यू ऑल नो डैट 20, यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, इतना इतना कर देता हूँ ताकि ये साफ साफ यहाँ पर दिख सके। ठीक है, ये क्या कहता है, यू ऑल नो डैट 21 जून हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो देश है ना, हमारे देश में जो सबसे प्राचीन चीजों में से एक है वो है योगा। अच्छा, योगा में प्राणायाम भी आता है, सारी चीज आती है। और सच में ये जो योगा होता है ये अपने आप में कमाल का है। कमाल इसलिए क्योंकि हम इससे स्वस्थ रहते हैं। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में था तो मैंने बाबा रामदेव को फॉलो करना शुरू किया था, आस्था चैनल खोल के मैं योगा देखता था। और हालांकि थोड़ा तरीका नहीं मालूम होने की वजह से, डाइट या शरीर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो है मेरा हेल्थ काफी डाउन हो गया था, पर माइंड बहुत शार्प हो गया था, बहुत ज्यादा शार्प हो गया था। तो आज भी योग वगैरह मैं करता ही हूँ, और योग वगैरह का मेरा इतना प्रैक्टिस था कि मैं बाबा रामदेव की तरह गोल गोल पेट घुमा लेता था। हालांकि अब नहीं होता है क्योंकि अब पेट जो है निकल चुका है थोड़ा इसका सपना मैंने 2 साल पहले ही देख लिया था कि मेरा पेट नहीं घूम रहा है, और अब जाके पता चला कि सच में नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो 21 जून की डेट याद रखिएगा। 21 जून जो है एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, जिसमें मोदी जी वगैरह ने बहुत फोटो डाला था आजकल। इसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अ प्रोसेस दैट वाज इनिशिएटेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कहता है कि एक्चुअली योगा इज कंसीडर्ड टू बी एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं, अमूल्य, इसकी कोई मूल्य नहीं है, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और इंडिया का पुराना एंशिएंट ट्रेडिशन रहा है ये। और देखिए योगा इंडियन स्पिरिचुअल, ये बोल सकते हैं स्केटिक डिसिप्लिन है ये। देखिए डिसिप्लिन की बात क्यों आ रही है, और यहाँ पर बात आ रही है कि स्पिरिचुअल की बात आ रही है। स्पिरिचुअल का मतलब बोलते हैं ना आध्यात्मिक। योग वो चीज़ है जो आपके माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है। लाइफ में बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन यदि आप योग करते हैं तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मालूम है क्या है, ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं ना, उस सांस को डिसिप्लिन करने का, जैसे अनुलोम विलोम, यहां से आप इसको बंद करते हैं और उसके बाद इसको लंबी खांस सांस खींचते हैं, फिर इसको बंद करके यहां से निकालते हैं, तो क्या करते हैं एक तरह से, आप यहां पर एक तरीके से जो है आप इसको एक सिस्टम ला रहे हैं। कैसा सिस्टम ला रहे हैं, डिसिप्लिन सिस्टम ला रहे हैं, ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंपल मेडिटेशन, एडॉप्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पोस्चर, जैसे सूर्य नमस्कार, ऐसे 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 बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार का, ये प्रैक्टिस किया जाता है हेल्थ एंड रिलैक्सेशन में किया जाता है। इट इज प्रूवन, ये प्रूव है फैक्ट दैट द कंटिन्यूड प्रैक्टिस अगर योगा का किया जाए तो ये आपको एक मन की शांति देता है, सेंस देता है, एंड वेल बीइंग ऑल्सो। ये आपका जो फीलिंग है, आपके जो विचार, आपका इन्वायरमेंट है, वो भी काफ़ी आपका बदला सा लगेगा। योगा बहुत ही पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में है, बिकॉज ऑफ इट्स हॉलिस्टिक वैल्यू। इसकी वैल्यू ही ऐसी है, और सबसे बड़ा फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगना है। आपको ठीक होना है, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कराइए, दवाइयां दीजिए, डॉक्टर की फी दीजिए, बट योगा एक ऐसा चीज है जो आपको बीमार होने से बचा देता है। ये बिल्कुल फ्री है, खुद की मेहनत का है, और थेरोपिक बोल सकते हैं आप क्रेडिनेटिस, एंड इट्स रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों को रोकने के लिए होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो बाबा रामदेव की यहाँ तो आधा ज़्यादा बीमारी योग से ही ठीक हो जाता, तो उनकी यहाँ ज़्यादा तो वो रखते हैं प्रॉपर तरीके से, आयुर्वेदिक इलाज करते हैं वो, तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो खैर आउटपुट तो वहाँ आएगा ही आएगा।
योगा प्रोवाइड्स बोथ द गोल्स, पाथ, टेक्निक, सारी चीजें, डिस्पाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आप बोल सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन इट्स वाइडर एंड ब्रॉडर कॉनोटेशन, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल, जैसे आप बात कीजिए, फिजिकली बात कर लीजिए, आप मेंटली बात कर लीजिए, आप मोरालिटी की बात कर लीजिए, यानी कि कैसा आप मोरल होना चाहिए, आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर लीजिए। देखते किसी किसी में पेशेंस नहीं होता, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी किसी का बहुत बढ़िया पेशेंस होता है, एक बढ़िया स्पिरिचुअलिटी उसके पास होता है, आध्यात्मिक होता है। इन दिस लेसन हम लोग ये सब पढ़ेंगे, योगा का डेफिनेशन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, ऑरिजिन, डिफरेंट पाथ ऑफ योगा, योगिक फिजियोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ योगा का, क्या डेफिनेशन होता है। कहता है न्यू लेटेस्ट लर्न डेफिनेशन ऑफ योगा इन वैदिक संस्कृत, अगर आप देखिए प्राचीनतम भाषा संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत में जाते हैं, योगा जो आया है एक रूट यानी यूज, इसका मतलब होता है एड, इसका मतलब होता है ज्वाइन, इसका मतलब होता है यूनाइट, इसका मतलब अटैच, ज्वाइन होना, अटैच होना, इट्स मोस्ट कॉमन लिटरल सेंस। जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं, जब अपने आप को आप ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब आप यूनाइट होते हैं, जब आप अटैच होते हैं, इसमें देखिए यहां पर लिखा है श्री औरोबिंदो, इंडियन फिलोसफर एंड योगी, रिगार्डेड योगा एज मेथोडिकल एफर्ट टुवर्ड्स सेल्फ परफेक्शन डेवलप थ्रू आवर लेटरल पोटेंशियल एट फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स। तो एक जो नाम है श्री औरोबिंदो, तो औरोबिंदो का कहना है कि देखिए अगर आप योगा करते हैं तो आपको अंदर फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल जो है आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बढ़ता जाता है। योगा एक इंडियन फिलॉसफी है, ये को देखिए हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें थी वो क्या था, एक विचार केवल नहीं था, वो एक लाइफ था, लाइफ को एक साइंटिफिक तरीका था, हर चीज का साइंस था ना। मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो उसमें 100% मटेरियल जो आप खाते हैं वो आपको आपको आपके बॉडी तक पहुंचा देता है, अगर आप वही पीतल के बर्तन में खाते हैं तो 93% 7% उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन आज के बर्तन में केबल और केबल जो है आपको यही कुछ लगभग मान के चलिए कि 17-18% के आसपास मिलता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। यानी जितना मेहनत से आप खरीद रहे हैं कि इसमें प्रोटीन मिलेगा, इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो आपको नहीं मिलता है। तो हमारा लाइफ स्टाइल मालूम है कैसा था, हमारा लाइफ स्टाइल एक साइंस पे आधारित था, लोग समझते नहीं इस बात को उस टाइम पे, इसलिए उनको अलग अलग तरीकों से बोला गया, जैसे पीपल, तुलसी, तुलसी 200 बीमारियों में काम करता, कितने रेडमिक हो गया है, रेमेडिक हो गया है। तो अब लोग समझते नहीं साइंस को, बीमारी इलाज ये वो बोला तुलसी माता है, हमारे पुराण ग्रंथ सबसे मैच किया, अब हम रिस्पेक्ट करते हैं चाहे जैसे भी करें, हम इन पे पेड़ में पानी देते हैं, इनको घरों में लगाते हैं ताकि ये हमारे लाइफ को और इजी बना सके, हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सके। तो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो अपने आप में एक वैज्ञानिक थे, और उन्हीं का खोजा गया ये सारी चीज़ है जो एडवोकेट प्रिस्क्राइब करता है कोर्स, फिजिकल एंड मेंटल सारी चीज़ें, कोई सारी चीज़ लिखा है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ योगा की हम लोग बात करते हैं, तो योगा इज एन ओल्ड, है ना, लिखा है एज ओल्ड साइंस, ये पुराना है, नया नहीं है। यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा फ्रॉम क्लासिकल टेक्स्ट, जैसे कि क्लासिकल टेक्स्ट भागवत गीता की बात करते हैं, भैया भागवत गीता तो आप किसी धर्म से उसको ना जोड़े तो ही अच्छा है, क्योंकि भागवत गीता जो है आपके जीवन में सारे कह सकते हैं कि समस्याओं का जो समाधान है, आपके जीवन में जितनी समस्याएं सब का उपाय भागवत गीता के अंदर है। मैंने कुछ समय तक स्टडी किया था, और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मैं सही बता रहा हूँ, अंदर से मैं हमेशा साइंस ढूंढता था, क्योंकि आपको मालूम है मैं साइंस का टीचर हूँ तो साइंस जरूर ढूंढूंगा, और उसमें भी मैंने देखा कि एकदम खरी उतरती है भागवत गीता। 5000 साल पहले लिखी गई वो किताब आज भी अपने आप में आज के टाइम को मैच कर जाती है। तो फ्रॉम द क्लासिकल टेक्स्ट भागवत गीता योगा बोलते हैं, उसमें लिखा है योगा इज स्किल एंड एफिशिएंसी इन एक्शन। योगा क्या है, योगा एक स्किल है, योगा एक कला है, आप ऐसे नहीं कुछ भी कर देंगे ऐसे से कर देंगे योगा, नहीं, एक डिसिप्लिन है, एक स्किल है, वो एक एक्शन है वो। योगा बोलते इक्विनिमिटी इन सक्सेस एंड फेलियर। योगा क्या है, आपकी सफलता कह लीजिए या आप फेलियर कह लीजिए, उसके साथ साथ की चीज़ है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कहीं ना कहीं इसी फील्ड में सफल हो पाएंगे। आप स्वस्थ ही नहीं, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है। इवन आप ये सोचिए कि जैसे आपने अक्षय कुमार को देखिए, अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, है ना, आप उनके हेटर्स हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं एक पार्टिकुलर व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, अपना डेली शेड्यूल जो भी काम करते हैं, रात को 9 बजे सो जाना, कोई पार्टी वार्टी फालतू चीज़ों में नहीं जाना है।
तो आज की इस एज में भी जो है इतना फ्लेक्सिबल शरीर है, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इससे देखिए कि आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ साथ से कनेक्ट करता है ना। आप खुद को उतना फ्रेश नहीं महसूस करते हैं, आप एनर्जी ढीला ढाला से लगते हैं, तो कैसे आप किसी फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे आप किसी को लीड कर पाएंगे। तो योगा जो रिलेट करता है आपके सक्सेस और फेलियर दोनों का कारण बन सकता है। अगर आप योगा नहीं करते हैं तो फेलियर भी हो सकता है, योगा करके हेल्दी रहते हैं तो सक्सेस में जा सकते हैं। योगा इज द गिवर इमेंस हैप्पीनेस। योगा आपको हैप्पी, शरीर खुश रहता है, कहते हैं कि अगर आपका मन खुश रहता है तन भी खुश रहेगा, तो पूरा आप खुश रहेंगे। इसके अलावा आगे बात करते हैं पतंजलि का। देखिए पतंजलि भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, तो पतंजलि के नाम पर ही बाबा रामदेव ने वो सेट कर रखा है पतंजलि योगपीठ। तो पतंजलि का था सूरा, सॉरी सूरा भाई बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, सूरा इसमें थोड़ी होता है, सॉरी सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र एक में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू योगा, उसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू योगा दिया हुआ, जिसमें लिखा हुआ अथा यो क्या लिखा है, अठ योगानुशासनम, अठ योगानुशासनम, इन योगा इज ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन। इसके अलावा सूत्र टू में लिखा है योग साया चित्रावृत्ति निरोधा, ये संस्कृत का है, इंग्लिश में लिखा है कि योग साया चित्रावृत्ति निरोधा। तो इसका लिखा योगा इज द कंट्रोल, यानी निरोध करने का, कंट्रोल करने का, ऑफ द मॉडिफिकेशन, यानी कि चित्रवृत्ति बोलते हैं, ऑफ माइंड फील्ड, दिमाग को कंट्रोल करने का है। आपने मुझे देखा होगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ, मैं मैथ भी पढ़ा लेता हूँ, मैं बायोलॉजी भी स्टार्ट किया, मैंने इंग्लिश का भी कोर्स किया, आपके सामने योगा भी कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री भी मैंने बताया है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मैंने इतना योगा किया स्पिरिचुअलिटी के मामले में, आज भी कहीं ना कहीं मैं करता हूं। तो माइंड जो होता है एक एक जगह फोकस होता है, और वहां से फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कोई डिसऑर्डर, कोई भी आपको अंदर ना कोई मतलब क्या बोलते हैं डिप्रेस, ये चीजें नहीं आती है। आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लिखा है घेरंडा संहिता, घेरंडा क्या लिखा, घेरंडा संहिता इन घटस्य योगा, इसमें लिखा है आवर बॉडी इज घटा, घटा मतलब घट मतलब पोर्ट, बर्तन, फर्स्ट वन हैज प्यूरिफाई, सबसे पहले तो हमारे शरीर को प्यूरिफाई करने काम करता है। बाय मास्टरिंग द टेक्निक ऑफ योगा वन अटेन्स द नॉलेज ऑफ रियलिटी। कहते हैं कि जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। तो अगर रियलिटी को आप देखना चाहते हैं तो योगा से आप आ सकते हैं। सप्त चक्र होता है हमारे शरीर में, उन सारे चक्र को जो मतलब मास्टरमाइंड शक्तिमान पुराना किसी ने देखा हो तो उसमें दिखाता है, वो जो पहुंच जाएगा तो वो समझिए भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों के टाइम ट्रेवल वो बैठे बैठे अपने माइंड से कर सकता है, वो चीजों को कंट्रोल कर सकता है, वो उस एनर्जी, जितनी एनर्जी आपको दिख रही है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप योगा को छोटा सा ले रहे हैं तो आई थिंक आप गलत हैं। द क्लासिकल लिटरेचर सेज दैट योगा बिगिंस विथ माइंड मैनेजमेंट। इन अ नटशेल वन कैन से द योगा इज नॉट रियली यूनियन, इट इज रियलाइजेशन ऑफ यूनियन डैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये किसी यूनियन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये यूनियन है और ये एग्जिस्ट करता है। योगा हैज ड्यूअल मीनिंग, दो मीनिंग, इट डील्स विथ बोथ द मेथड, दोनों ही तरीके, द एम। स्वामी शिवनंदा बिलीव्स करते थे योगा इज इंटीग्रेशन एंड हारमोनी बिटवीन थॉट्स। हेलो, योगा क्या है, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं और आपके जो थॉट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको मैच करता है। आपका शरीर केवल एक शरीर नहीं है, आप फिजिकली देख रहे हैं तो पागल के पास ही फिजिकल शरीर होता है, बट मेंटली आपने नेताओं में बहुत नेता देखे हैं, लेकिन मोदी की कुछ अलग बात आपको लगती होगी, कभी गुस्सा नहीं करना, शांत स्वभाव रहना, अपने फोकस पे काम करना, इवन योगी जी भी वो हो जाते हैं। आपने एक्टर्स में बहुत एक्टर को देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत दुनिया में नहीं है, शांत स्वभाव का रहना, अच्छे से बात करना। आपने अपने घर रिश्तेदारों में देखा होगा इस तरह के जो नेचर होते हैं उसको, एक तो बाय डिफॉल्ट किसी के अंदर बाय नेचुरल होता है, एक तो होता है अपने आप को डेवलप करना, अपने आप की मन की शांति। देखिए मन की शांति के लिए दुनिया तड़प रही है, बहुत पैसा हो सकता है आपके पास भविष्य में, बहुत पैसा, लेकिन मन की शांति केवल और केवल जो है आपको, अगर आप लाना चाहते तो योगा एक जरिया हो सकता है, जरिया हो सकता है यदि आप यहाँ पर योगा से बढ़ते हैं तो। इसमें क्या कहता है, वर्ड्स डिड इंटीग्रेशन बिटवीन हेड हर्ट एंड हैंड्स, आपका हाथ, आपका हर्ट और आपका दिमाग, इन तीनों को सेट करते हैं तब तो जाके होता है। उसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन सिंटेक्स क्वेश्चन हैं जिसको आप यहाँ पर बनाएंगे, क्या ट्रू फॉल्स वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हिस्ट्री एंड ऑरिजिन ऑफ योगा दिया है, लिखा है द योगा
यहाँ पर लिखा है द योगा डेट वी नो वाज इवॉल्व मोर देन 5000 ईयर्स हो गए, आज से 5000 साल पहले इसका हो चुका था। द वर्ड योगा इज मेंशन्ड एट वेरियस प्लेसेस, जैसे ऋग्वेद में इसका इस्तेमाल होता है योग का। दे आर सबस्टेड मैसेज फ्रॉम उपनिषद डेट सेल्फ कैन ओनली बी नोन थ्रू यूनियन डेट योगा। इट इज द भागवत गीता डेट फॉर्मुलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस ऑफ योगा एज इट इज नोन टूडे। आज सभी जानते हैं कि भागवत गीता बेसिक जो है वहां पर योगा से वहां बताता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योगिक टेस्ट जिसको योग सूत्र कहते हैं, महर्षि पतंजलि जो बाबा रामदेव उन्हीं को फॉलो करते हैं, महर्षि पतंजलि सम टाइम्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट जो बोलते हैं, जो ईसा मसीह बोलते हैं, उनके जन्म से पहले ही हो चुका था। लार्ज नंबर ऑफ हठ योग टेस्ट वर रिटेन, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी थी उस टाइम पे। द वेल नोन टेक्स्ट योग वशिष्ठ हठ योग प्रदीपिका शिव संहिता गर्नडा संहिता और मेनी मोर। आपको प्राउड फील करना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। अगर आप इसे छोटा मोटा चीज समझ रहे हैं तो आपको शायद आइडिया नहीं है क्या चीज है ये, दुनिया इसकी इज्जत कर रही है। और ऐसा नहीं कि कोई भी आया साधु महात्मा ऋषि मुनि उसने बोला ये हाथ ऊपर कर लो, ये हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हो गया। नहीं, एक इन्वेंशन है। जैसे मोबाइल का देखते हैं, स्मार्टफोन तक आते आते कितना टाइम लगा, तो हर चीज का एक टाइम होता है, उसको रिसर्च करना होता है। वैसे वो रिसर्चर थे, रिसर्च कर करके कितनी बार करना है, कैसे करना, कितनी बार करना, कितनी बार सांस छोड़ना, कैसे करना, कौन सा स्टेप लेना, कौन सा पोस्चर लेना, किसकी वजह से हार्ट सही रहेगा, किसकी वजह से लंग सही रहेगा, किसी वजह से किडनी अच्छी रहेगी, कहां पर करेंगे तो लीवर अच्छा रहेगा, कब दौड़ेंगे, कब उठेंगे, एवरीथिंग, लाइफ का डिसिप्लिन पूरा इसमें बताया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात? आगे बात करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा की बात करते हैं। देखिए, अबाउट द ओरिजिन ऑफ योगा, देयर आर सम रेफरेंसेस दैट लॉर्ड शिवा इज द फर्स्ट गुरु, आदि गुरु जिसे कहते हैं, लॉर्ड शिवा को, मतलब भगवान शिव की बात करें, सबसे पहले गुरु बोला जाता है उनको। एंड पार्वती इज द फर्स्ट डिसिपल, उनकी शिष्य जो है पार्वती, जो उन्हीं की पत्नी हो गई। सिंस देन द टीचिंग ऑफ योगा हैव बीन जनरली पास्ड ऑन ऑरली, उस टाइम पे ऑरली होता था, यानी कि आप बोले फिर उसने मौखिक रूप से। देयर आर मेनी सेजेस एंड योगीज who have contributed to the growth of yoga such as ancient yogis Goraknath, Matsyendranath, Janaka, Ashtavakra, Vyasa and so many others in contemporary times such as Ramakrishna, Vivekananda, Raman, Maharishi, Shivananda and the list is endless। ये लिस्ट खत्म होने वाला नहीं है। पुराने टाइम बात करते हैं कौन कौन थे, जैसे कि गोरखनाथ ले लीजिए, गोरक्षनाथ ले लीजिए, मत्स्यनाथ ले लीजिए, जनक ले लीजिए, अष्टवक्र को ले लीजिए, व्यास को ले लीजिए, ये उस टाइम के थे जिन्होंने सीखा था। देन आफ्टर अगर आप लेटेस्ट कॉन्टेम्प्रेरी की बात करते हैं, रामकृष्ण, विवेकानंद जो अमेरिका तक गए थे, रामम महर्षि, शिवनंदा, और लिस्ट बड़ी लंबी है। इस लिस्ट में जो है इतने सारे नाम है कि यहाँ पर शायद जगह कम पड़ जाए। द क्लासिकल लिटरेचर कहता है यहाँ पर कि योगा बिगिंस विद द माइंड मैनेजमेंट। देखिए, यही तो मेन बात है, दिमाग को संतुलित करने की ही बात योगा होती है। दिस इज कंसीडर्ड एज द अल्टीमेट एम ऑफ योगा, और यही योग का उद्देश्य होता है अल्टीमेट, कि बॉडी के साथ साथ माइंड को कंट्रोल किया जाए। ये जो इंसान का दिमाग है ना, इतना पावरफुल है कि अगर हम एक लोहे को या किसी भी सरफेस को ये मान लें कि वो गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है, और 100% विश्वास कर लें कि वो गर्म है, और उसको अगर हम छू देते हैं ना, इतना तेज जलेगा कि जल जाएगा। ऐसे एग्जांपल बताता हूँ, एक आदमी अपने घर में, पूस के घर में जो है वो ऊपर छत सही कर रहा था, उसको किसी चीज ने काटा, और जैसे लगा सांप काटते वैसे ही काटा, लेकिन उसने सांप को क्या किया, उसी पोवाल में ऐसे करके घर को बना दिया, और उसे पता नहीं चला, उसे कुछ नहीं हुआ। देखिए, सांप ने काटा, कुछ नहीं हुआ। अगले साल क्या हुआ कि वापस उस घर का रिनोवेशन करने के लिए वो सब हटा रहा था, वो कांच का वो केंचुआ उसको मिल गया, उसको याद आ गया कि अरे यार, ये तो वही सांप था जिसने मुझे पिछले साल काटा था पिछले साल, उस समय कोई विष नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब उसको याद आ गया, उसी समय वो गिर गया, मुंह से फेन आ गया, मर गया।
गजब, एक साल बाद यानी दिमाग ही जहर पैदा करता है, दिमाग ही किसी चीज को ठीक भी कर सकता है। किसी को आप चीनी दे दीजिए और बोल दीजिए कि यहां से सब ठीक होते हैं, तो केवल विश्वास के नाम पर उसका ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी चीजें होती है, लेकिन जब आप खुद को कंट्रोल करके चलते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यही योगा है। तो यहां पर लिखा है पीपल्स ओनली प्रैक्टिस फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा एज बॉडी फील्स गुड लाइट वाइब्रेंट एनर्जेटिक, कोई मोटा है तो हल्का हो सकता है, अपने हिसाब से वेट वो रख सकता है। दैट इज हाउ योगा फर्स्ट बिकेम पॉपुलर एंड नाउ डेज मेनी पीपल फोकस ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा। तो आजकल तो लोग खाली फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं, म्यूजिक बजा दिया ढीम ढाम ढाम योगा कर रहे हैं, बट स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अगर आप एक आध्यात्मिक की बात करते हैं तो वहां पर तो आपको अपने मन और अपने शरीर के आंखें बंद करके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक दिन की बात नहीं होती, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा एंड दिस इज डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ डिफरेंट पाथ्स ऑफ योगा। अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग योगा के पाथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। योगीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि की बात करते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ योगा। योगा का जो पिता कहा जाता है वो महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। कंपाइल्ड 195 योग सूत्र बिकेम द फाउंडेशन ऑफ योग फिलोसफी। 195 योग के तरीके उन्होंने बताया। द कॉमेंट्री ऑफ दिस सूत्र इज कॉल्ड भाष्य। भाष्य, द कोर एसेंस ऑफ पतंजलि इज द एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा, यानी अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, फोकस अपॉन हेल्दी लिविंग थ्रू योगा। कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। आदि शंकराचार्य की बात करते हैं, भैया शंकराचार्य ने तो समझिए पूरे भारतवर्ष में, आप देख लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चले थे और सारे सारे चीज को यूनाइट किया था। तो शंकराचार्य की तो खैर बात ही अलग है, और इनकी स्टैचू भी शायद वहां पर लग चुकी है, मोदी जी ने लगवाया था अभी लेटेस्ट में। ही वाज फिलोसोफर पर एक्सेलेंस बिकॉज ही ब्रॉट न्यू लाइफ टू द वेदास एंड रिस्टोर टू देम देयर एंशियंट ग्लोरी। जो चीजें खत्म हो रही थी उसको फिर से इनोवेट करने का, रिस्टोर करने का काम शंकराचार्य ने किया था। रिवाइव्ड वेदांता एट अ टाइम वेन वेदांता फिलोसफी वॉज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ डार्कनेस टू एक्सेस ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस। बहुत सारे कुछ पुरानी परंपराएं थी जो कहीं ना कहीं सिस्टम को खराब कर रही थी और जिसकी वजह से अंधेरे में जा रहा था, उस सारी परंपराओं को हटा कर फ्रेश तरीके से फिर से लोगों तक पहुंचाया, फिर से रिस्टोर किया शंकराचार्य ने। एस्टैब्लिश फोर आदि शंकराचार्य पिता डिवोटेड वन ऑफ द वेदा टू ईच। तो चार जो है उन्होंने पीठ, चार पीठ लगाया पूरे भारत में। एक था साउथ में निसारदा पीठ, वो श्री इसके लिखा श्रृंगेरी में। ईस्ट में था गोवर्धन पीठ यानी जगन्नाथपुरी में। वेस्ट में था कालिका पीठ द्वारका में। और नॉर्थ में था ज्योतिर्पीठ यानी बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में शायद लगाया गया है अभी लेटेस्ट में इनका, इनका ये क्या बोलते हैं शंकराचार्य का, मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो है पूरा पीठ के बारे में दिया है। यहाँ पर पीठ का मतलब एक सिस्टम जहाँ पर सिखाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाएगी, डिसिप्लिन रहेगा, लोग सीखेंगे, जिसको गुरु सिख परंपरा कहते हैं, गुरुकुल कहते हैं, वो सारी चीज़ें। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेदांता एंड योगा टू यूरोप में, अमेरिका में जो ले जाने वाले थे वो थे स्वामी विवेकानंद। ही रेज्ड हिंदूज में टू द प्रेडिस्टल ऑफ अ वर्ल्ड रिलीजन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस एट शिकागो। शिकागो के पार्लियामेंट जो हुआ था उसमें गए थे 1893, वेयर ही ऑल्सो डिलीवर्ड एन इंस्पायरिंग स्पीच एंड कॉल्ड द पीपल ऑफ अमेरिका एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर बोला था अमेरिका वालों को। विवेकानंद ऑल्सो रेज इंटरफेथ अवेयरनेस, जागरूकता भी फैलाई। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन एंड मत। उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन और मत का फाउंड किया, आगे को बढ़ाया उसको। इनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। तो और भी नीचे हैं, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं बहुत लाइन से यहाँ पर हैं। तो एक काम करता हूँ, 24 मिनट हो गया है यहाँ पर, तो अभी अरविंद घोष वगैरह का चलो ठीक है कुछ कुछ कर लेते हैं, एक बार देख लिया जाए जब तक कि मैं कर सकता हूँ। बाकी जैसा भी होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, सो अब यहां पर हम आगे बात करें।
श्री अरविंदो घोष की बात करते हैं. ही वॉज अ ग्रेट योगी फिलोसफर एंड पोएट. श्री अरविंदो प्लान डाउन अ टोटल ऑफ 68 बुक्स. टोटल 68 बुक्स लिखा डिफरेंट डोमेन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी का. हिज बेस्ट पब्लिकेशंस था द लाइफ डिवीजन विच फोकस अपॉन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा. अनदर वन इज सिंथेसिस ऑफ योगा एंड थ्रू लाइट ऑन द प्रैक्टिस फैक्ट्स ऑफ योगा. ये सारे अरविंद घोष के बारे में, स्वामी कौवल्यानंद के बारे में भी लिखा है. आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना. PDF आप चाहें तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा. टेलीग्राम का चैनल हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है. स्वामी शिवनंदा सरस्वती के बारे में दिया है कि ही वॉज ए डॉक्टर इन मलेशिया बट ही गेव अप ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस 1924. इसके बारे में आप इनके पढ़ सकते हैं. बाकी चीज़ें, बाकी हो सकता है अगले वीडियो में आपको बताऊँ इसका. तिरुमलाई का है, बहुत सारी चीज़ें का है. एंड बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर. देखिए बहुत सारा लिस्ट है यहाँ पर, एक दो लिस्ट नहीं है, भरा भरा सा लिस्ट है यहाँ पर. एक रहे तभी तो मैं आपको बताऊँ. देख रहे हैं लिस्ट लिस्ट भरा हुआ है. उसके बाद फिर आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा. अलग अलग योगा होता है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, रज योग, हठ योग, अलग अलग है. जैसे कि अगर आप कर्म योग की बात करते हैं तो आपको यहाँ अपनी पर्सनालिटी पे काम करनी है. भक्ति योग की बात करते हैं डिवोशन पे काम करना है. आप ज्ञान या जाना योग की बात करते हैं तो आपको फिलॉसफी की बात करनी है. रज योग की बात करते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन की बात करनी है अपनी पर्सनालिटी के अंदर में, धन दौलत वगैरह की. आप हठ योग की बात करते हैं तो मेंटल फिजिकल सबस्टल की बात करते हैं. इसके अलावा जो है एक एक करके फिर यहाँ पढ़ना है. जैसे कर्मयोग के बारे में पढ़े हैं, कर्मयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे, देन उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, फिर ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे, है ना. क्योंकि इसमें है तो ये बहुत, इसमें एक दो चीज़ तो है नहीं. एंड देन आफ्टर जो है बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, तब इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह आएगा. फिर योगिक फिलोसफी क्या होता है यहाँ पर, तो एक एक करके मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा. छोटा छोटा पार्ट रहेगा, आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा. और फिलहाल मैं इसको सारी चीज़ें बताऊँगा. नाड़ी क्या होता है, चक्र क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा. चिंता करने वाली कोई बात नहीं. जितना मैं हो सकूँगा छोटा छोटा पार्ट आपके लिए लेकर आता रहूँगा. फिलहाल जो है लगभग 25 मिनट के या 26 मिनट के आसपास का ये वीडियो बन चुका है. तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करना चाहूँगा. उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा. अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसको लाइक करते हैं, तो मैं समझूंगा कि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं और उनके लिए मुझे काम करना चाहिए. तो मैं आगे भी बड़े दिल से आपके लिए काम करूंगा. तो हमेशा आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट और प्यार दिया है, और ये इस बार भी मैं आपसे उम्मीद यही कर रहा हूँ. तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ. हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है. कोशिश कीजिए आप भी योग वगैरह अपने जीवन में अपनाने के लिए, लाने के लिए, और फिजिकल के साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल एंड मेंटली भी काम करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू. विश यू ऑल द बेस्ट.